नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। देश में तलमुहा कोरोना संक्रमण 60 दिन में सबुठ कम संक्रमण चिन्हट दिनक 1,15,000 केस रेकर्ड 5.62 को खसला डेली पॉजिटिविटी रेट से 15 लाख तलकू खसला एक्टिव केस लोड। विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण कार्यक्रम को प्रतिदिन बल जोगाउछन्ति केन्द्र सरकार राज्यगुडी को मागणारे दे सारे 24 कोटी रु अधिक डोज 23 कोटी 13 लाख लोकों को मिली सारी टीका राज्यगुडी एवं भी रही 1.5 कोटी रु अधिक डोज। खूब शीघ्र देश को मिलपे करोनार आउ एक महौषधि निक्लोसामाइड औषधर द्वितीय पर्याय ट्रायल को डीसीजीआई अनुमति लाक्साई लाइफ साइंस मिसी कोरोना औषध तैयारी कर सीएसआईआर। पिलांक पई आसुछि ट्रांसपेरेंट मास्क जून शेष सप्ताह सुधा बजार में होइपारे उपलब्ध तृतीय लहर को दृष्टि रखी गवेषणा जारी रखिछन्ति देशर वैज्ञानिक। उत्तर प्रदेश में काम कला जोगी मॉडल कोरोना लड़ाई में विजयर द्वारादेश में देशर सबुठ बड़ राज्य 4 जिला को छाड़ी सारा यूपी में हटिला कोरोना कर्फ्यू। तो बुलेटिन आरंभ करिबा आज सबुठ सकारात्मक खबर सहित देश में तलमुहा होउछि कोरोना संक्रमण गत 2 मास आज देश में चिन्हट होइछन्ति सबुठ कम कोरोना आक्रांत देश में दिनक 1,14,000 केस चिन्हट होइछि। यहा पूर्व एप्रिल 6 तारीख में 1,15,000 आक्रांत चिन्हट होते सेबड़े 1,99,000 जन कोरोना सुस्थ होते गत 25 दिन धरी आरोग्य संख्या चिन्हट होता आक्रांत संख्या ठू अधिक रोचे देश में वर्तमान सुस्थता हार 93.67% पहुंची सेबड़े साप्ताहिक पॉजिटिविटी हार 6.54% रही बेले डेली पॉजिटिविटी रेट रही 5.62% लगातार गत 13 दिन धरी पॉजिटिविटी हार 10% तले रही आसुछे सेबड़े देश में सुस्थ हार 93.67% पहुंची गत 6 दिन पूर्वे देश में जोठी आक्टिव केस लोड 20 लक्ष उपरे रहुथला ताहा एबे 15 लक्ष तलकू खसी देश में आज आक्टिव केस लोड 14,77,799 रही है गत 6 दिन धरी देश में केस लोड 20 लक्ष तले रही आसुची जहाँकि एक शुभ संकेत अटे। राज्यगुडी मागणारे 24 कोटी रु अधिक टीका दे सारी केन्द्र सरकार केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार केन्द्र सरकार मागणारे सबु राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश गुडी 24,60,870,900 डोज टीका दे राज्यगुडी पाखरे एबे भी 1,63,00,000 कोविड टीका उपलब्ध अछि। देश में चली विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण कार्यक्रम एक क्रम टीकाकरण आरंभर 141 दिन में 23,13,00,000 लोकों टीका दिशा 18,51,00,000 लोक कोरोनार प्रथम डोज नहीं सारी बेले 4,61,00,000 लोकों कोरोनार द्वितीय डोज मिली सारी सेपटे गत 24 घंटा भितर 33.5 लक्ष लोक टीका दि जा अच्छा परदी खबर को उत्तर प्रदेश में सफल होई जोगी मॉडल देशर सबुठ बड़ राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना लड़ईर विजय द्वार में पहुंची यूपी में कोरोना संक्रमण लगातार भाव ह्रास पाई आसपे कटका कोहल करने को निष्पत्ति नहीं योगी सरकार केवल 4 जिला लखनऊ मेरठ सहारनपुर गोरखपुर को छाड़ एवं पूरा यूपी कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो तेरे राज्य में पूर्वपरि शनि और रविवार सटडाउन जारी रहा सेबड़े जनसंख्यार देशर सबुठ बड़ राज्य में दिनक 1100 नुआ केस चिन्हट होती उत्तर प्रदेश में वर्तमान पॉजिटिविटी हार 3.3% रही है सेपरि आरोग्य हार रही 98%। सेबड़े राज्य में कमी पॉजिटिविटी हार गोटे समय था जे राज्य में 23% उपरे रहुथला संक्रमण हार वर्तमान यह धीरे धीरे कमी 9% पहुंचला सेतेबेले टेस्टिंग कम थिला एबे आमे टेस्टिंग बढ़ीचे संक्रमण हार एपरी कमिबा बहुत भल लक्षण बोली स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र सहित से यहाद्वारा जमापड़ी जे आम ट्रांसमिशन कमुची आमर सर्भिलांस काम देछे एहिपरी संक्रमण हार कमिले आमे आशा जहाँ रही से पहुंचाक आउ 7 रु 8 दिन समय लगे
ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭିଟି ହାର କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଆମେ 23% ପଜିଟିଭିଟିରେ ଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟିଂ କମ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଧିକା ହେଲାଣି। ଯେତିକି ପଜିଟିଭିଟି ହେଉଛି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ 9.5 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏଇ ପଜିଟିଭ୍ ହାର କମିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଆମର, ଏଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କମୁଛି, ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କାମ ଦେଇଛି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆକୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ରେଟ୍ରେ ଯଦି 0.5-1% ରେଟ୍ରେ ଯଦି ଏହି ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ କମେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବୋଧେ ଆମକୁ 7-8 ଦିନ ଲାଗିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ସଂଗଠନ ବା CSIRO ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାକି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବଜାରରେ ଏହି ମାସ୍କ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ CSIRO ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ CSIRO ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର ସୁନିତା ମେହେଟା ଏକ ମାସ୍କ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ। ଏହା ପଲିମରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଭୂତାଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆର୍ଦ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମାସ୍କ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ସାଥ ଦେଇପାରିବ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା CSIRO ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଛି ପ୍ରକୃତରେ ତୃତୀୟ ଲହର ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଲଢ଼ି ପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏ ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହଯୋଗୀ ନିହାରିକାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିପାରେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଲହର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କିଭଳି କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ଲଢ଼ିପାରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ସଂଗଠନ ବା CSIRO ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାକି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନେବା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ନିହାରିକା ଅଛନ୍ତି। ନିହାରିକା, CSIRO ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଖାସ କରି କରୋନା ବିରୋଧ ଲଢ଼େଇରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ କରୋନା ବିରୋଧରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଯେମିତିକି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ଲହର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ସାଂଘାତିକ ହେବ, ଯେପରିକି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା କହିପାରିବା ପୁରାପୁରି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଲହରରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ନ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ବା ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି ତୃତୀୟ ଲହରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆସୁଛି ସେଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାସ୍କ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଥା ଏଥିପାଇଁ କହିଲି କାରଣ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇନି। ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏମ୍ସରେ 7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନ ହୋଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ା, ସେଇଠି ଆସୁଛି ପ୍ରଥମରେ ମାସ୍କ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି CSIRO
जो ट्रांसपरेंट मास्क तैयारी करछि से ट्रांसपरेंट मास्कटा जेमती आमे ऑलरेडी कहि सारछि एटा पॉलीमर रे तैयारी हेछि एटा आजिकार कथा नो एटा 2020 रो अगस्त रे एई पॉलीमर मास्क तैयारी आरंभ होइतिला सीएसआई रे सीएसआई रो पूल साइंटिस्ट सुनीता मेहटा एटा स्टार्ट करथिले बिकॉज सेतेबेले ट्रांसपरेंट मास्क सेतेले स्टार्ट हेला सेतेले विशेष करि ट्रांसपरेंट मास्क रो काम थिला जे जो माने कथा कहि पन्नंती डीप एंड डॉम सेमानकर लिप रीडिंग पाई कि जेमती कि आपण जानिचंती जे लिप रीडिंग नहले आमे तांको कथा बुझी पारिबुनी बिकॉज सेमाने सिंबल रे कथा कहंती बा पार्टी को मूव करके कहंती सो विशेष भाबरे ट्रांसपरेंट मास सेइति पाई कि स्टार्ट हेतिला लिप रीडिंग करबा पाई सो दैट ट्रांसपरेंट हेले सेटा देखा जीवो किंतु परवर्ती मुहूर्त रे सुनीता यादव जे कि यंग साइंटिस्ट जांको कथा आमे कहउचू सेटा को इंप्रूव करैले आउ जेमती कि सीएसआई रो विभिन्न अछि सेंटर फॉर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटा से विभिन्न प्रकार मेडिकल उपकरण तैयारी करे एटी वर्तमान समय रे से माने आईआईटी रो जो साइंटिस्ट अछंती सुनीता यादव तांको हाथ बढ़ाईतिले आ तांको संगे मिसिकी वर्तमान सेटा को से माने चेंज कले जे सेटा जेमती कि हमें दीटा मास्क पिंचे सेमती ट्रांसपेरेंट मास्क रे पॉलीमर रे सेटा तैयारी हबो आ सेटा दीटा मास्क रो भी काम देबो एट द सेम टाइम सेटा पिला मानन को पई यूजफुल हबो बिकॉज़ छोटो पिलांक को पई कि जेहेतु पार्टीटा जदि देखा दिबो निश्चय बारे से माने किछि कहिबे पेरेंट्स को पाकु डॉक्टर को ताले सेटा निश्चिंत भाबरे इट विल बी विजिबल सेटा होची फर्स्ट पॉइंट आ गोटे कथा होची ए ट्रांसपेरेंट मास्क रे पूर्वरु कुआ जाउची जे पूर्वरु से मास्कटा पूरा मुंह को आच्छादित करू नथला बा कवर करू नथला किंतु वर्तमान समय रे सुनीता मेहटा जोटा करिचंती सेटा कंप्लीट फेस को विथ नोज आच्छादित करूची आउ ता छड़ा ता भितरे जेमती कि आमे रिपोर्ट रे कहि सारिचे जे ता भितरे जो मॉइस्चर क्रिएट हुए नॉर्मली आमे भी जानिचे जो मास्क आमे पिंदुचे मॉइस्चर ता भितरे रहूची बा आद्रता रहूची जोटा कि वर्तमान सेमाने सेटा को साइंटिफिकली सेटा को चेंज करिचंती जे ता भितरे छोटो पिलांक पई विशेष भाबरे सेमाने बहुत समय धरी जदि पिंधी के रहिबे आउ ता भितरे मॉइस्चर क्रिएट हबो सेमाने निश्चय अनकंफर्टेबल फील करिवे बा एटा कोरोना रु मुक्ति निश्चय पाए करिवो किंतु तांकर होय तो मुहरे अन्य किछि प्रॉब्लम देखा दिए पारे बा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है पारे तो से सबुरु मुक्ति दबो ए ट्रांसपेरेंट मास्क जोटा के भीतरे मॉइस्चर को भी ड्राई करी दबो अच्छा। तो वर्तमान समय रे निश्चय भाबरे ए जो ट्रांसपेरेंट मास्क आसुची कहि परबा अपूर्व जे एटा गोटे पिलांक पई जो तृतीय लहर रे गोटे पेरेंट्स को भीतर हो बा मेडिकल प्रैक्टिशनर को भीतर जो गोटे भय थिला जे पिला मान को इंपैक्ट हबो मास्क पिला मान को पई केमती हबा दरकार केमती नाही वर्तमान ए ट्रांसपेरेंट मास्क निश्चय भाबरे कहि परबा एटा गोटे शुभ संकेत आ आगो को जाय कि तृतीय लहर समय बा ता पूर्व रु ट्रांसपेरेंट मास्क जेमति कि जून रे अवेलेबल हबो पिला माने जदि पिंदिबे निश्चय एटा निश्चय भाबरे हम देश पई गोटे भल खबर नेरिका को आज पर जेतु आपण नेशनल बुलेटिन उपर नजर रखिछन्ति प्रति मुहूर्त अपडेट आमको दिखती किभली भाव कोरोना केते व्यापक होउछि तो वैज्ञानिकों आकलन अनुसार जदि तृतीय लहर कथा उठुछि जहाँकि पिलांक स्वास्थ्यवस्था उपर अधिक प्रभाव पकई पारे पिलांक अधिक अफेक्ट करि पारे तो तृतीय लहर केबे आसिबार आशंका रहिछि आकलन किछि एपर्यंत करागलानि जदियो द्वितीय लहर को नहीं आकलन करा जाय पारि नथिला किंतु जेहेतु द्वितीय लहर मध्ये आसिला तेणु किछि कहउछन्ति तृतीय लहर मध्ये आसिबो तेणु केबे आसिबो एने वैज्ञानिक माने आकलन करिछन्ति स्वास्थ्य विशेषज्ञ निश्चय भावे जमी आप जानते द्वितीय लहरटा कहगला जे 108 डेज पाई किंतु कहुची अगस्ट पर जदि तृतीय लहर आसे जार कि संभावना बहुत अधिक किंतु सबुठ भल कथा हूँ द्वितीय लहर जो टाइम पीरियड जमीक मुझे 108 डेज यहीटा कि कम रहा 98 डेज हम बोली वैज्ञानिक मैंने आकलन करती छाड़ी जदि आप भारत कथा कहे जमीक नीति आयोग बिके पावल अलरेडी दुई दिन तेरे जो आड्रेस तृतीय लहर निश्चय भाव में आम जाने पिलांक इंपैक्ट पकेब किंतु सबुठ बड़ कथा हूँ पिला सेतटा इंपैक्ट पकेबन सीरीयसली पिला माने निश्चिंत भाव में संक्रमित बेसी हेनि जमती बड़ माने हेले बा मोर्टालिटी रेट बा डेथ रेट जोटा कहते सेटा पिला मानक क्षेत्र रे हबो नाही जोटा नीति आयोग तरफ रु भी ऑलरेडी आसी सारी जे पिला मानक क्षेत्र रे मोस्टली सेटा अनसिम्प्टोमेटिक हबो जोटा कि टिके चिंतार विषय हेइ पारे किंतु मोस्टली केसेस रे जो पिला माने होय तो तांको भीतर कोनोसी किडनी डिजीज बा अपन कैंसर कथा कहंतु किछि मात्रा रे जदि कोनोसी सीरियस डिजीज रे अफेक्टेड थिबे देन ओनली से केस रे से पिला माने जदि कोरोना संक्रमित होंती ताहले से मानकर किछि तो चिंता बेर विषय अछि
अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पिला माने से मानको ऊपर एते गुरुतर भावे हेबनी नीति आयोग एपरी भी कहा जाइछि जे से माने मेडिकल रे एडमिट होबा पर्यंत होय तो कथा न जाई भी पारे से माने होय तो घरे रही ट्रीटमेंट हे आइसोलेशन रही जे परकि हमें आज मास्क कथा कहूचे से सब जिनस करी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करबा घर भीतर भी मास्क पिंधि से निश्चय भाबरे भलो रही परिबे अर्थात जदियो कहा जाउछि जे पिला मानको अधिक प्रभावित करबो ता सहित हमें प्रस्तुत मध्य करि सरिछे जे पिलांकु के भली भाबे सुरक्षित रखा जीव ट्रांसपेरेंट मास्क मध्य प्रस्तुत करा जाउछि से पडे पिलांको स्वास्थ्य सेवा केमती जोगा जीव से ने मध्य सरकार व्यवस्था आरंभ करिछि बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका मो सहयोगी तमाम अपडेट देउथिले पूरा सिंपल भाषा आपनको बुझाउथिले जे केमली भाबे सीएसआईओ रो वैज्ञानिक माने एभली भाबे एक प्रयास करिछन्ति जे पिला माने जहाँ कि कहा जाउछि तृतीय पर्याय बा तृतीय लहर कोरोना द्वारा अधिक प्रभावित होबार आशंका करा जाउछि त सेथिरु बचेबा पई कोरोना सहित लड़ीबा पई कोरोनार तृतीय लहर सहित लड़ीबा पई वैज्ञानिक माने एक स्वतंत्र मास्क प्रस्तुत करिछन्ति त सहित केमली भाबे घरे रही चिकित्सित होई परिबे पिला माने सेथि पई मध्य सेथि प्रति मध्य सरकार के पक्षरु ध्यान दिया जाउछि आशा प्रति खबर को खूब शीघ्र देश को मिली पारे कोरोनार आउ एक औषध निक्लोसामाइड औषधर ट्रायल को डीसीजीआई अनुमति काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अर्थात सीएसआईआर लाक्साई लाइफ साइंस सहित मिलित भाव यह औषध तैयारी करछन्थे निक्लोसामाइड प्रभाव सुरक्षा और सहनशीलतार मूल्यांकन अनेक दिगरु परीक्षण करा विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या मंत्रालय सूचना देछि सूचना योग्य जे वयस्क एवं पिलांक मध्ये देखा दउथबा टेप वार्मा संक्रमण चिकित्सा पई निक्लोसामाइड को व्यापक भाव व्यवहार करा जाइछे एहा पूर्वरु डीआरडीओ पक्षरु कोरोनार मुकाबला पई दुई डीजी औषध प्रस्तुत करा जाइथिला एही औषध कोरोना रोगी को शीघ्र सुस्थ हेबार सहायक होइथाय एवं शरीर रे ऑक्सीजन मात्रा को मध्य नियंत्रण रे रखिथाय पॉजिटिव भारत रे समय होइछि आउ एक ब्रेक रो ब्रेक पर फेरिबो आउ किछि सकारात्मक खबर देखबा ब्रेक पर पुणे स्वागत भारतीय वैज्ञानिक दंपति उपलब्धि चीन रो लाव लीक षड्यंत्र पर्दाफाश करिछन्ति भारतीय वैज्ञानिक दंपति दि सिकर नामक ट्विटर आकाउंट देखते तथ्य सहित प्रमाण डास्ट्रिक ऑनलाइन ग्रुप तैयारी करी चीन रो षड्यंत्र संपर्क में जांच करिछन्ति भारतीय दंपति अमेरिका अनेक ख्यातनामा गवेषक ए जांच रिपोर्ट को समर्थन जणाइछन्ति चीन रो लाव लीक षड्यंत्र पर्दाफाश कले भारतीय वैज्ञानिक दंपति द सिकर नामक ट्विटर आकाउंट रे देइछंती तथ्य ओ प्रमाण ड्रास्टिक ऑनलाइन ग्रुप तैयारी करी चीन रा षड्यंत्र संपर्क रे जांच करिछंती इंटरनेट एवं गूगल ट्रांसलेटर साहाज्य रे चीन रा सीएनकेआई नामक एक डाटाबेस रो छानबीन करथिले अमेरिका रो अनेक ख्यातनामा गवेषक ही जांच रिपोर्ट को समर्थन करिछंती चीन रा वुहान लैब रो कोरोना वायरस लीक षड्यंत्र को नै पूरा विश्व रे आलोचना पर्यालोचना चलिथिबा बेले भारत रे सोशल मीडिया रो एक ऑनलाइन ग्रुप ड्रास्टिक रो किछि सदस्य चीन रो वुहान लैब रे कोरोना वायरस लीक रो पर्दाफाश करिछंती एही ग्रुप ट्विटर रे द सिकर नाम रे एक अकाउंट परिचालना करुछंती विशेष भाबरे एथिरे थिबा भारतीय वैज्ञानिक दंपति कोरोना भूताणु वुहान लैब रो लीक होइथिबा नै दाबी करिछंती पुणे रे बास करुथिबा वैज्ञानिक दंपति डॉक्टर राहुल बाहुलीकर एवं डॉक्टर मोनाली राहलकर एनए तथ्य भित्तिक रिपोर्ट प्रस्तुत करिछंती पूर्वरु वैज्ञानिक दंपतिक पक्षरु प्रस्तुत होइतिबा डिसेंट्रलाइज रेडिकल ऑटोनोमस सर्च टीम इन्वेस्टिगेटिंग रे कोविड-19 कोरोना भूताणु वुहान लैब रु लीक होइतिबा दर्शा जाइतिला तेबे प्रथमे एहाकु एक षड्यंत्र बोली कुहा जाउतिला मात्र एबे अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन कर चाइना रो वुहान लैब प्रति थिबा कड़ा अभिमुख्य प्रकाश पाइबा परे भारतीय वैज्ञानिक दंपति रिपोर्ट पुणी चर्चार परिसर को आसी वुहान लैब रु जानिशुनी कोरोना भूताणु रो लीक करा जाई थाई पारे बोली मिलिथिबा तथ्य अनुसार एपरि अनुमान करा जाउछि बोली से माने कहिछंती भारतीय वैज्ञानिक दंपति कहिबा अनुसार एप्रिल 2020 रे से माने गवेषणा आरंभ करथिले जना पड़ीतिला दक्षिण चाइना रे युनान प्रदेश रो मोजियांग माइनिंग रो वुहान लैब द्वारा सार्स कोवी 2 आरएटीजी 13 अर्थात कोरोना वायरस संग्रह करा जाइतिला खणि खनन समय रे बादुड़ी बसा सफा करबा पई 6 जना श्रमिक को नियोजित करा जाइतिला परवर्ती समय रे से माने सार्स कोवी 2 रो संक्रमण रो शिकार होइतिले
वैज्ञानिक दंपति कहते चाइनार डॉक्यूमेंट को अनुवाद करी सेमाने ए उपरे अनुसंधान जारी रखिंट सिकर आकाउंट परिचालित करुथिबा ए सदस्य माने केवल निज लैपटॉप रे इंटरनेट एवं गूगल ट्रांसलेटर व्यवहार करी चीन रो सीएनकेआई नामक एक डाटाबेस रो छानबीन कले। चीन रो ए डाटाबेस रो सेठारे कोरोना भाइरस उपरे गवेषणा चालुथिबार प्रमाण मिलिबा परे सेठारु कोरोना भाइरस लीक होइथिबार संदेह आउरी सुदृढ़ होइथिला। एबे अमेरिका रो अनेक ख्यातनामा गवेषक एही जांच रिपोर्ट को समर्थन करिछंती एवं चीन लैब रो कोरोना लीक हेबार अभियोग संपर्क रे व्यापक जांच करबा को दाबी करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समस्त रही पॉजिटिव भारत क्विट रखु मत विदाय दिंतु। नमस्कार।